नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं अब तक के मुख्य समाचार। कर्नाटक, कलबुर्गी में सांप्रदायिक झड़प के एक दिन बाद 165 गिरफ्तार, FIR दर्ज। कर्नाटक के 149 छात्र राज्य लौटे, कल 16 उड़ानें बेंगलुरु पहुंचेंगी। डॉक्टर मनोज राजन, आयुक्त KSDMA ने बताया। कर्नाटक के इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, BT और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर CN अश्वथ नारायण ने कहा कि 12वीं बेंगलुरु इंडियन नैनो 7 से 9 मार्च तक होगी। उद्घाटन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई करेंगे। COVID-19, कर्नाटक में 188 नए मामलों के साथ सकारात्मकता दर 0.45%। OCI जोड़े भारतीय अदालतों में वैवाहिक राहत की मांग कर सकते हैं, कर्नाटक उच्च न्यायालय। यूक्रेन में भारतीय छात्र की हत्या, कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य सरकार से शैक्षणिक शुल्क मुआवजे की वापसी की मांग की। 15 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने वाली कांग्रेस की मेकेदातु यात्रा आज बेंगलुरु में समाप्त हुई। प्राकृतिक आपदा की चपेट में कर्नाटक समेत 5 राज्यों को केंद्र ने दी अतिरिक्त मदद। चुनाव में फ्री गिफ्ट का वादा करके वोट लेने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इंकार। मध्य प्रदेश, इंदौर में गौशाला में 150 गायों के अवशेष मिलने से मचा हड़कंप, प्रबंधन गिरफ्तार। गुरुग्राम इलाके में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, सभी एक ही कंपनी में करते थे काम। PM ने दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने की दी सलाह, मेक इन इंडिया पर दिखा खास जोर। रशिया यूक्रेन वॉर, बुखारेस्ट से 180 भारतीयों को लेकर गाजियाबाद उतरा 4th C-17 विमान, स्वागत के लिए पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री। स्क्वाड नेताओं की वर्चुअल बैठक में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। महाशिवरात्रि पर बाबा धाम में भगदड़ पर भड़की कांग्रेस विधायक, दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। अमेजॉन ने विवाद खत्म करने के लिए फ्यूचर रिटेल के साथ बातचीत का रखा प्रस्ताव। RSS अहमदाबाद में 11 से 13 मार्च को आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, नड्डा हो सकते हैं शामिल। गोवा विधानसभा चुनाव 2022, गोवा में कांग्रेस को 24 से 26 सीटों पर मिलेगी जीत, गिरीश चोंडाकर। सांप को 25 साल खिलाया, अब हम पर फुफकार रहा, उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर साधा निशाना। UP, आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी गंभीर रूप से घायल। यूपी चुनाव, वाराणसी के कबीर चौरा मठ पहुंची प्रियंका गांधी, अगले 3 दिन तक करेंगी प्रयास। हिमाचल में पुरानी पेंशन योजना पर संग्राम, विधानसभा घेरने जा रहे कर्मचारियों को पुलिस ने रोका, हाईवे पर बैठे लगा जाम। कांगड़ा की सियासत, BJP जिला महामंत्री की प्राथमिक सदस्यता रद्द, मंत्री पठानिया पर बरसे निक्का। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के मुलमुला थाने मेन थानेदार पर 2 सिपाहियों ने तानी बंदूक, जुआ खिलवाने से रोका तो मार देंगे। हाईकोर्ट से NIA को झटका, अब झीरम हमले में षड्यंत्र और हत्या की जांच कर सकेगी छत्तीसगढ़ पुलिस। 14 वर्षीय लड़की का 1.5 लाख में किया सौदा, हरियाणा के युवक से जबरन कराई शादी। झारखंड बजट, झारखंड में गरीबों और किसानों को मुफ्त बिजली देगी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड बजट में शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान, 50% बढ़ेगा टेट शिक्षकों का मतदान, मानदेय। हरियाणा, गर्भवती महिला ने मायके में फांसी लगा कर दी जान, 4 घंटे बाद पति ने भी की आत्महत्या। BJP सांसद ने कहा तेजस्वी यादव को नहीं है RSS और इतिहास की जानकारी। पटना, पत्नी की हत्या करने के बाद खुद भी ट्रेन के आगे कूद गया पति, पल भर में बिखर गया परिवार। महाराष्ट्र में 27% OBC आरक्षण के बिना होंगे निकाय चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। दिल्ली सरकार वर्सेस केंद्र, GNCTD एक्ट की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। उत्तर प्रदेश, राज्य के मंत्री जय प्रताप सिन्हा ने विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में सिद्धार्थनगर में मतदान किया। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उनराव ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1.01 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उत्तराखंड के कुल 286 नागरिक यूक्रेन में थे, कंट्रोल रूम में आज सुबह तक
आई सूचना के अनुसार इनमें से 63 लोग वापस आ चुके हैं। अशोक कुमार उत्तराखंड के डीजीपी। मुंबई, बीजेपी ने नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। चेन्नई हवाई अड्डे पर तैनात 26 वर्षीय सीआईएसएफ कांस्टेबल ने अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के शौचालय में सेल्फ लोडिंग राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। चेन्नई पुलिस। दिल्ली, यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों ने पोलैंड से दिल्ली पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। भूस्खलन के कारण बनिहाल के शबनवास में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग ब्लॉक हुआ। जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस। रूस यूक्रेन मुद्दे पर हुई विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक, राहुल गांधी समेत 9 सांसद रहे मौजूद। हिमाचल के सरकार घाट में एचआरटीसी बस खाई में गिरी, महिला की मौत, 25 घायल। रशिया यूक्रेन क्राइसिस, यूक्रेन में फंसे छात्रों ने सोनू सूद की अपील, जहां है वही रहे, जल्द पहुंचेगी मदद। शीतकालीन पैरालंपिक से रूसी और बेलारूस के एथलीटों पर प्रतिबंध लगा, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी। अल्जीरिया में पाकिस्तानी दूतावास के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट हैक, कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध पर भारत स्पष्ट रुख अपनाए, अमेरिकी राजनयिक। रशिया यूक्रेन वॉर, खार्किव से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए 6 घंटे तक युद्ध रोकने को तैयार हुआ रूस। रूस के खिलाफ ब्रिटेन ने बढ़ाया कदम, कहा व्यापक गठबंधन बनाया जाए। श्रीलंका में सिर्फ 4 दिनों का बचा ईंधन, रोजाना 7 घंटे से ज्यादा का पावर कट। भारत पर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवाइजरी थ्रू सैंक्शन एक्ट CAATSA लगाने या माफ करने पर विचार कर रही बाइडेन सरकार, US डिप्लोमेट का बयान। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए KP News 24/7। धन्यवाद।